हाँ जी हाँ जी, तो मेरे साथ है 28 मार्च की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। आपके हाथ में क्या है? स्टेंसिल। कौन सी स्टेंसिल है? यूनिवर्सल स्टेंसिल है। यस सर। भाई यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या करने जा रहे हैं आप? सीपीयू कंट्रोल। खाली सीपीयू करोगे क्या? पावर डबल डेकर सब करेंगे। थोड़ा एक एक बताओ कौन सी आईसी करोगे? एमएमसी करेंगे सर, सीपीयू करेंगे, डबल डेकर करेंगे, पावर करेंगे। आप डुअल डेकर करेंगे? यस सर, डुअल डेकर करेंगे। नॉर्मल 4G सीपीयू करेंगे? यस सर। पावर करेंगे? यस सर। पावर के साथ आप WDR भी करेंगे? यस सर। उसके साथ रैम भी करेंगे? यस सर। और कल MMC बनाया था? यस सर। उसको भी हम यूनिवर्सल से बनाएंगे? यस सर। तो बहुत सारे टास्क है हमारे पास। यस सर। और सारे टास्क हमको पूरा कंप्लीट करने हैं। यस सर। कौन कौन कर लेगा? यस सर। भाई मेरे साथ, मैं ये लाइव हूँ इस समय और पूरा इंडिया आपको देख रहा है। यस सर। हम क्या देख रहे हैं आपको? यस सर। भाई सबसे बनना चाहिए। यस सर। बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। बिल्कुल बनेगा। यस सर। इजीली बनेगा सर। इजीली बनेगा। ट्रिक जबरदस्त है सर। तरीका सही है हमारे पास। यस सर। तरीके में जान है? यस सर। बस तरीके में जान होना चाहिए, टीचर में जान होना चाहिए, सब हो जाएगा। क्यों सर? यस सर। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थोड़ा लाइव कंटिन्यू रखिए सर और चलते जाइए, चाहो तो आवाज बंद कर लेना। दूसरा धीरज है अनिल जी, क्या किए हैं थोड़ा बताएंगे? ये मैंने पावर आईसी डबल डेकर सीपीयू, 4G सीपीयू आपने रिवॉल्विंग किए हैं। कौन से स्टेंसिल से किए हैं? ये इससे यूनिवर्सल स्टेंसिल से। तो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल से पॉसिबल नहीं है, तो आपने यूनिवर्सल से किए, कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल हो गया सर, एशिया टेलीकॉम में। एशिया टेलीकॉम का ट्रिक से? देव सर। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम आपका? सौरभ मलाकार। क्या किए हैं थोड़ा बताएंगे आप? हमने सीपीयू रिवॉल्व किया है, वो भी यूनिवर्सल इंस्टेंस से। क्या 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 चीज़ की? रैम, पावर, आईसी, डबल डेकर सीपीयू सब कुछ हमने यूनिवर्सल इंस्टेंस से किया है। यूनिवर्सल इंस्टेंस का स्केल अलग है, सीखने का तरीका सर को सिखाने का तरीका अलग है। दीजिए लोगों को यूनिवर्सल इंस्टेंसिल, कौन से इंस्टेंसिल? यूनिवर्सल इंस्टेंसिल ये है जी, तो इसमें कोई सी ऐसी रिवॉल्व हो जाती है, पॉसिबल है कोई सी भी हो, वो इसका अपने इंस्टेंस प्रॉब्लम नहीं भी है तो अपन इससे अपन रिवॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर स्टेंसिल ना होने के बावजूद भी हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक मिली आपको? ऐसी ट्रिक कहीं पर मिलेगी भी नहीं आपको जहाँ तक लगता है, इंडिया तो क्या विदेश में भी शायद ही मिले। एशिया टेलीकॉम ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्किल से सिखाता है, आपके पास स्किल नहीं भी होगी तो भी आपको स्किल लेके भेजेंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, थैंक यू। यस सर जी। क्या नाम आपका? विजय मलाकार। विजय जी मुझे ये बताइए, क्या आपके हाथ में क्या है बताइए थोड़ा? सर ये पावर आईसी है, EMC है, CPU डबल डेकर रैम, 4G CPU। तो ये इनको क्या रिवॉल्विंग किया? इसको रिवॉल्विंग किया आज यूनिवर्सल स्टेंसिल से। दिखाइए आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल। तो ये आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से इनको रिवॉल्व किए हैं जी, तो क्या आपको प्रॉपर स्टेंसिल की अब जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं है, यूनिवर्सल से ही हो जाएगा। यूनिवर्सल से ही हो जाएगा? लोग तो बोलते हैं कि यूनिवर्सल से पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, हो जाएगा, इसी से हो जाएगा सब कुछ। क्या उसके लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए उसके लिए। स्किल चाहिए? स्किल सही है तो? स्किल सही है तो हो जाएगा, सब पॉसिबल है ना जी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ। सुनील जी मुझे बताइए ये क्या है आपके हाथ में थोड़ा? ये सर CPU है, रैम है, डबल डेकर आईसी है, पावर आईसी है जी। तो इनको क्या रिवॉल्व किए हैं आपने? ये सर मैंने यहीं पे रिवॉल्व किए, एशिया टेलीकॉम में पहली बार जी। प्रॉपर एक्सटेंशन से किए हैं आपने? नो सर, यूनिवर्सल से। हाँ जी यूनिवर्सल एक्सटेंशन, यूनिवर्सल एक्सटेंशन से मैंने, इन्होंने यूनिवर्सल एक्सटेंशन से रिवॉल्व किए हैं। तो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल से पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सर लोग बोलते हैं बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे आके पूरा ट्रिक पता चलता है। ट्रिक सही है तो सब पॉसिबल है। ट्रिक सही है, सिखाने का तरीका सही है, तो यूनिवर्सल में भी हम हर एक आईसी बना सकते हैं। हर एक आईसी बना सकते हैं आप? यस सर। अभी आपने बनाए भी हैं? अभी मैंने सर 5 आईसी बनाए हैं, कल भी बनाए थे 5 आईसी यूनिवर्सल में, बिल्कुल सही बनते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, इसके लिए सर जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आशिक है, मैं कश्मीर से हूँ। आशिक जी ये हाथ में आपके क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर ये पावर है, डबल डेकर है, सीपीयू है, और डबल डेकर सीपीयू है आपके पास, 4G सीपीयू है जी, 4G सीपीयू है सर, रैम भी है सर। तो ये क्या है,
क्या किए इनको थोड़ा बताओ सर। इनको हमने रिबॉल किया है, रिबॉल किया भी है और वो भी यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल स्टेंसिल। यस सर, यूनिवर्सल से। देख सकते हैं इन्होंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से ये रिबॉल किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो आसिक जी मुझे ये बताइए, लोग बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से ये सब पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, जब यहाँ आते हैं तो सब पॉसिबल है। एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर ट्रिक होना चाहिए। जब आपके पास ट्रिक है तो पूरा कुछ पॉसिबल है सर। और यहाँ सब पॉसिबल है ना, और ये ऐसा टेलीकॉम में सिर्फ पॉसिबल है सर। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक मोरे है, महाराष्ट्र से हूँ मैं। दीपक जी ये बताएंगे थोड़ा, ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में आई सी है, पावर आई सी, एम एम सी आई सी, डबल डेकर सीपीयू है ना। हाँ, रैम भी है। रैम भी है। तो ये आपने क्या क्या किए थोड़ा? इसका रिबॉलिंग किया आज पूरा मैंने। रिबॉलिंग किए हैं? हाँ यस सर। कौन से एक्सटेंशन से किए हैं? यूनिवर्सल स्टेंसिल सर। यूनिवर्सल स्टेंसिल। हाँ यूनिवर्सल। लोग बोलते हैं कि प्रॉपर एक्सटेंशन चाहिए इनके लिए, तो सही ट्रिक होंगी तो यूनिवर्सल से भी हो। यूनिवर्सल से भी, कौन से भी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी क्या नाम आपका? जी मेरा नाम हमराज पटेल है, मैं रामपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हमराज जी मुझे बताइए आपके हाथ में क्या है? ये सर पावर आईसी है, रैम है, यूएमसी है, ईएमएमसी है, डबल डेकर सीपीयू है। तो इनको क्या रिबॉलिंग किया आपने? हाँ सर रिबॉलिंग किया। प्रॉपर स्टेंसिल से किए? नहीं प्रॉपर लेंथ से किए। यूनिवर्सल से किए? हाँ यूनिवर्सल से किए। तो ये आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने ये रिबॉलिंग किए हैं, तो क्या ये सब पॉसिबल है यूनिवर्सल से? हाँ यूनिवर्सल से पॉसिबल है ये सब। लोग बोलते हैं कि इनके लिए प्रॉपर स्टेंसिल चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल से प्रॉपर है ये। यूनिवर्सल से भी हो जाएगा? हो जाएगा। तो आपने किए? हाँ मैंने किए हैं, मैंने चार ऐसे किए हैं आज। तो ये सारा ट्रिक आपको समझ में आया? हाँ सर समझ आया, आज से टेलीकॉम में पूरा सब चीज़ समझ आ जाता है सर। सब चीज़ समझ में आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीतेश शौर्य है, मैं खंडवा मध्य प्रदेश से। प्रीतेश जी मुझे ये बताइए क्या किए हैं थोड़ा आप बताएं। आज ये जो आईसी आप देख रहे हैं इसमें पावर आईसी, एमएमसी है, डबल डेकर है, सारी आईसीओ को रिबॉल किया हुआ है। कौन से स्टेंसिल से किए हैं आप? ये यूनिवर्सल से किया है। दिखाइए आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल। देख सकते हैं इन्होंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से ये डबल डेकर सीपीयू वगैरह ये किए हैं, तो क्या ये सारा चीज़ पॉसिबल है यूनिवर्सल से? बिल्कुल पॉसिबल है, यूनिवर्सल से पॉसिबल है, लेकिन एशिया टेलीकॉम आओगे तभी पॉसिबल है। एशिया टेलीकॉम आओगे तभी पॉसिबल जी बिल्कुल। तो लोग बोलते हैं कि इनके लिए ये सब फेक है, इनके लिए प्रॉपर स्टेंसिल चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं इसके लिए चाहिए स्किल, स्किल चाहिए, और स्किल जो है वो एशिया टेलीकॉम के पास नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र है, मैं गोरखपुर ज़िले से यूपी से हूँ। जी और आज मैं क्लास में सर सब आईसी रिवॉल्व करना सीखा हूँ, और सर परफेक्ट स्टेंसिल से नहीं बाकी यूनिवर्सल से मैं पूरे आईसी रिवॉल्व की, जो कि डबल टेकर, पावर आईसी, एमएमसी, रैम सब है। देख सकते हैं इन्होंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से ये सारे डबल टेकर सीपीयू, रैम, 4G सीपीयू, पावर, ये सारे अच्छी तरीके से सर रिवॉल्व की है। जी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम पहलवान सरदार है और मैं झारखंड से आया हुआ हूँ। पहलवान जी मुझे ये बताइए क्या किए हैं आप थोड़ा बताओ। जी सर आज मैंने सीपीयू, डबल डेकर आईसी, पावर आईसी, ईएमसी सब यूनिवर्सल स्टेंसिल से स्टेंसिल से आज मैंने रिवॉल्विंग किया, और वो भी परफेक्ट तरीके से। लोग बोलते हैं कि कुछ भी आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए परफेक्ट स्टेंसिल ही चाहिए, लेकिन आज यहाँ आके हमें पता चला कि यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी कोई भी आईसी को रिवॉल्विंग किया जा सकता है। किया जा सकता है जी सर। और लोग को ऐसी ट्रिक मिली जो यूनिवर्सल से पॉसिबल हो रहा है? जी सर बहुत ही बढ़िया ट्रिक मिले हैं जो कि परफेक्ट रिवॉल्विंग कर पा रहे हैं, और जो परफेक्ट रिवॉल्विंग के लिए आईसी ये स्टेंसिल होते हैं उससे भी अच्छे यूनिवर्सल स्टेंसिल से हो पा रहा, क्योंकि सर ने जो ट्रिक बताए हैं वो बहुत अच्छा है। और ठीक है, थैंक यू। और मैं जो ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाला सिखाते हैं कि एक दूसरे पे शॉर्ट हो जाने के बाद वो पूरे ही आईसी को क्लीन करके फिर से करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है जितने शॉर्ट हो रहे थे उसी को ये करके साफ करके फिर बस उसी पिन को
बनाने का ट्रिक सिखाया गया है। उसके लिए मैं थैंक यू एशिया टेलीकॉम एंड थैंक यू देव सर जी। क्या नाम है आपका? महेश नितिन, मैं महाराष्ट्र से। महेश जी। यस सर। मुझे ये बताइए आपके हाथ में क्या है? सर ये सीपीयू है, पावर आईसी है, डबल टेकर है। डबल टेकर रहे हैं? डबल टेकर हैं हम। तो ये क्या किए इनको? रिबोल किए हैं? रिबोलिंग है, रिबोलिंग किए। कौन से स्टेंस से किए हैं? सर यूनिवर्सल स्टेंस से किए। यूनिवर्सल से? यस। या प्रॉपर स्टेंसिल से किए? बता रहे हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से? यूनिवर्सल से किए। यस सर। तो ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल से ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, अगर एशिया टेलीकॉम में आते हैं तो बहुत पूरा पॉसिबल है सर जी। तो यहाँ का जो ट्रिक बताया जा रहा है कैसा है? एकदम इजीली है सर। इजीली? इजीली। इजीली आप कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। बढ़िया तरीके से? बढ़िया सर। पहले ऐसा लगता था होगा कि नहीं होगा, अभी सब हर तरीके से हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेमन है सर, मैं नेपाल से हूँ सर। आज हमारा क्लास सर एमएमसी सीपीयू रैम डबल टेकर पावर ये सारा चीज़ आपने रिबोलिंग किया सर। कौन सी स्टेंसिल से किए हैं? यूनिवर्सल से सर। दिखाइए आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल। तो ये देख सकते हैं इन्होंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबोल किए हैं अच्छी तरीके से। यस सर। तो ये जो यहाँ जो ट्रिक बताया जा रहा है कैसा बताया जा रहा है? एकदम प्रॉपर है सर, एकदम अच्छा है सर। इससे टेलीफोन अच्छा है एकदम सर। तो किसी भी आईसी को रिबोलिंग कर सकते हैं सर यूनिवर्सल से? प्रॉपर नहीं चाहिए सर, उसके लिए यूनिवर्सल से ही हो जाएगा? हो जाएगा सर। ऐसा ट्रिक दिए आपको? यस सर। एशिया टेलीफोन का पावर है सर, पावर है। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। टेलीफोन ओके सर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। यस सर। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।